वो वोट डालेंगे ना, यही चाहते हैं। बात ऐसी कौन सी चीजें हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर जो आपको मोदी सरकार की पसंद है? जैसे गरीब लोगों को ज्यादा देखना चाहिए और अमीर को तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए, पर बोलना क्या, जैसे पंचायतों में क्या चलता है ना, ये पूरी देख रेख करना चाहिए। हमारा मतलब ये है जैसे प्रधान बने हैं, पंच बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, मतलब तो उनको जो उनकी चेकिंग करना चाहिए कि किसको क्या चीज मिल रही है, किसको क्या चीज नहीं मिल रही है, कहाँ रास्ते बन रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहे हैं, मतलब ये होना चाहिए। हमारे उसमें हमारी पंचायत में जो भी सुविधा आती है वो हमारे को नहीं मिलती है, नहीं पहुंचती। हाँ जी, नहीं मिलती है ऐसी चीजें। आप पंचायत से बात करते हैं तो उनका क्या? हाँ, बात करते बोलते आएंगे आएंगे और आते हुए साल बीत जाते पांच और रिटायर हो जाते हैं। हमारा मतलब ये हमारा जो इलाका सबसे लास्ट पंचायत है तो उसमें कोई भी जैसे सहूलत आती है तो वो मिलती ही नहीं है, वो आती है तो वो खत्म हो जाती तब तक। तो हम ये चाहते है ना, मतलब चेकिंग होना चाहिए हरेक इलाके की, और मतलब जैसे प्रधान बने तो उनका भी काम चेक करना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं पैसा, कहाँ नहीं लगा रहे हैं। वार्ड पंच उनकी भी चेकिंग करो, वो कैसे काम करवा रहे हैं, क्या कैसे नहीं करवा रहे हैं। मतलब जैसे प्रधान है वो पैसे खा जाते हैं पंचायत में और काम होता नहीं है, और जैसे मकानों को पैसा आता है वो जिसका किसी का गरीब का आता है तो उसको मिलता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और मतलब जैसे छोटी जातों को मिलता है तो उसमें राजपूत भी गरीब होते हैं बिल्कुल, तो उनको भी मिलना चाहिए ना, उनको भी मिलना चाहिए। वे उनके मकान चेक करो कि कौन गरीब है कौन नहीं है, सबको देखना चाहिए एक बराबर, तो ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, आपसे अगर मैं आखिरी चीज जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ऐसे केंद्रीय के जो मंत्री यहाँ आते हैं रैली करते हैं, इसकी वजह से जो आगे चुनाव होने हैं उनमें भी कुछ फायदा मिलेगा उन प्रत्याशियों को पार्टी से? तो आगे तो हाँ, हमारे को तो क्या फायदा, हम तो वोट डालना और रैलियां तो हमें करना पड़ेंगी और करते हैं ऐसे भी पहले, पर हम ये बोलते हैं ना, मतलब हमारे इलाके को भी देखा जाए, हमारी सड़कों को देखो आप, बुरी हालत है। और जैसे पानी के टैंक है बिल्कुल कम, कहीं नलके नहीं लगे, तीन तीन साल से पैसे भरे जा रहे हैं, नल लगेंगे कोई नल नहीं लग रहा अभी तक। नहीं तो फिर आप लोग रैली में क्यों आते हो? आप लोग हम रैली में इसीलिए आते हैं कि हमारी भी समस्या सुनी जाए, और चलो अब तो क्या बोलना, बोल रहे हैं 6 तारीख के बाद बोलेंगे जब रिजल्ट आए, हम तो मोदी को वोट डालने इसीलिए आए हैं इधर, और ऐसे भी हम भाजपा को के है और उसको ही डालेंगे। पर हम ये बोलते हैं कि हमारी समस्या भी देखना चाहिए, हमारे इलाके भी देखना चाहिए ना, बैकवर्ड इलाके तो उनकी हाँ आप मतलब देख रेख नहीं करेंगे तो क्या फायदा, डालते तो हैं वोट, इतनी सारी रैलियां करते, हरेक रैली में जाना हमने, मतलब जहाँ जहाँ बुलाते पर हमारे काम नहीं होते। एक बार फिर से आपका नाम और किस पंचायत से आप संबंध रखते हैं? हम श्योर वाला टिपरी गांव और बटोआ डाकखाना और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। धन्यवाद। हाँ जी, और सरता कुमार मेरा नाम।